अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम घर पर मौजूद हैं और घर वालों ने हमारे जिम्मे काम लगाया है और काम बड़ा ही अहम है जो घर की खूबसूरती में इजाफा करता है। यानी आप सोच रहे होंगे वो कौन सा काम है। काम दोस्तों है पंखे साफ करना, जो कि आपको भी करने चाहिए क्योंकि घर वालों के साथ हाथ बटाना वैसे सुन्नत भी है, हमें करना चाहिए, अखलाकी तौर पर भी ठीक बात है। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पंखा कैसे साफ किया जाता है। दोस्तों देखिएगा, मैं अभी आपके सामने पंखा साफ करने लगा हूँ। मेरा ख्याल है आपको ये बात बिल्कुल पसंद आएगी क्योंकि ये लाजम है। ये देखिए, पहले हमने गीला कपड़ा किया, इस गीले कपड़े को करके पंखे के नीचे एक रखा है हमने बेंचे। ये देखें जरा ध्यान से चुनना है, कहीं ऐसा ना हो कि गिरे उबड़े हों। ये देखिएगा, पहले इसको गीला कपड़ा, क्योंकि कुछ पक्षियां वगैरह बैठी, पहले भी कुछ साफ है, बेहतर है। अब देखें, ये मैंने गीले कपड़े के साथ इसको ऐसे साफ किया है, गीला कपड़ा मारा है। उसके बाद इसको खुश करेंगे, ये गीले कपड़े के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा इसको गीला किया है। और अब इसको नीचे फेंकते हैं और फिर इसको इसके साथ साफ करके आप देखेंगे बड़ा चमक पड़ा है पंखा। और आपको ये काम करना होगा, मुश्किल काम जरूर है, लेकिन नीचे वाला बेंच हिलना नहीं चाहिए, ये ना हो के हम मुंह के पास नीचे गिर जाए। और देखिएगा दोस्तों, ये छोटा सा काम मैंने आपको बताया करना चाहिए घर में, ये अच्छी बात होती है ताकि हमारे जो घर में छोटे बच्चे हैं वो भी हमारी तरफ देखकर ऐसा काम करें। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकें। लेकिन साथ इसका भी ख्याल करना कि उतरते हुए आप कहीं गिर ना जाएं। ये देखिएगा, ये अल्लाह हाफिज़।